बात तो बता, घर में सब ठीक ठाक है ना? पर ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे कल जिस तरह से भाग कर गई थी, मुझे लगा कोई टेंशन की तो बात नहीं है ना? अरे नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आई ने मुझे झूठ बोल के बुलाया था लड़का देखने के लिए। वेरी गुड, थैंक गॉड तेरी आई तुझ पे नहीं गई। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है उनमें। अच्छा आंखें मत दिखा, ये बता फिर क्या हो? फिर होना क्या था, घर जाके पहले आई से झगड़ा किया और उसके बाद उनकी जिद पर तैयार होकर लड़का देखा। मतलब हाथ में चाय की ट्रे लेकर चिलकर दिखाया होगा, फिर गाके सुनाया होगा, है ना? ये जुशा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तैयार होकर लड़का देखा, दैट्स इट। अच्छा फिर क्या हुआ, मान गए? मुझसे मिलने के बाद उन्हें मेरी शर्तें पता चल गई। समझ गई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ऑफिस का काम तो ठीक ठाक कर लेती है, लेकिन शादी के मामले में, बाय द वे अमीन, तू अपने शर्तों का आइडिया ड्रॉप क्यों नहीं कर देती? अमीन आज के जमाने में ऐसी शर्तों के साथ कौन करेगा यार शादी? कोई करेगा या नहीं करेगा वो जरूरी नहीं है, मैं अपनी आई के साथ बहुत खुश हूँ। अमीन समझा कर यार, ऐसे नहीं चलता। देख हम लड़कियाँ ना गाड़ियों की तरह होती हैं, मतलब कंडीशंस कैसी भी हो दोनों का ही डेप्रिसिएशन होता है। अब देख गाड़ी जितनी पुरानी उसकी डिमांड उतनी ही कम, और लड़कियों की उम्र जितनी ज़्यादा ना उनकी भी डिमांड उतनी ही कम। इसीलिए कहती हूँ यार मान जा, कर ले शादी के लिए, हाँ भाव कम खा। तेरे लिए कहना बहुत आसान है उषा, पर तू अगर मेरी जगह रहकर सोचेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि क्यों मैं अपनी शर्तों को लेकर इतनी जिद करती हूँ। हाय काश मेरे साथ भी ऐसा होता। अब मेरी फैमिली में तो किसी को मेरी सैलरी की जरूरत है नहीं, और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। काश मुझे भी तेरी तरह लड़के देखने आते, और फिर चुपके चुपके आँखें चार होती, और फिर मैं चुपके से उस पर लपक पड़ती। रोमांटिक नहीं? मैं तैयार हूँ, शादी करोगी मुझसे? हाँ। सच्ची? सच, लेकिन मुझे शादी की तैयारियों के लिए ना एक हफ्ता लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे एक हफ्ता जी भी पाओगे। तुम्हारी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है चाचा, अब तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, तभी ठीक होगा तुम्हारे लिए। ऐसे कोई बात करता है क्या? और जरा उम्र तो देख उनकी। तुमने सपने देखे उनके? कुछ भी बोलती है तू। हाँ और वैसे इतना बूढ़ा भी नहीं है, उनके बारे में सोच सकती है अवनी। पर तेरी इन्हीं हरकतों के कारण सब डर के भाग जाते हैं, और फिर कहती है मुझे कोई मिलता नहीं। मैं ऐसी ही हूँ, तू मेरी टेंशन मत कर, मुझे कोई ना कोई बेवकूफ मिल ही जाएगा। बस बप्पा से यही प्रार्थना है कि तेरी जल्दी से शादी हो जाए, तुझे अच्छा सा पति मिले, और एक ऐसा परिवार हो जहाँ पर तेरी सास ही ना हो। चल अगर सास हो भी तो बिल्कुल देवी की तरह हो, जो तुझे माँ की तरह प्यार करे और अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। दरवाजे में क्यों खड़े हो? हटो हटो ना। क्या लता, आज फिर तमाशा करके आई हो ना? अरे क्या मिलता है तुमको ये सब करके, बता पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। बेइज्जती होती है जरा सोचा करो। बेइज्जती होती है? तुम्हारी कोई इज्जत भी है जो बेइज्जती होगी? दिन भर फोकट का खाते रहते हो, तुम्हारी पेंशन से दो वक्त की भाजी भी नसीब नहीं होती, चार मुंह मुझे भरने पड़ते हैं, मुझे सब चलाना पड़ता है। आज 1 तारीख है, पेंशन कहाँ है? अब है ना वहाँ। तो दे दो ना। तो देता हूँ ना। ये क्या है, ये लो। ये क्या, 200 रुपया कम है? तो 200 रुपया अखबार वाले को दे दिया ना। अखबार वाला क्या तुम्हारा ससुर लगता है, जो हर महीने 200 रुपया उसके हाथ में थमा देते हो? हर महीने अखबार पढ़ता हूँ तो देना तो पड़ेगा ना। क्या मिलता है अखबार पढ़कर? चार फालतू लोग कुछ लिखते हैं और तुम जैसे चार फालतू लोग उसे पढ़ते रहते हैं। अरे टीवी है ना घर में, टीवी पे न्यूज देखो ना। न्यूज के अलावा और भी बहुत। हाथ पैर ठीक है, कुछ करो, कहीं दुकान में जाके बैठो, कुछ कमा के लाओ, पर नहीं, बैठ के खाना है फालतू का और अखबार पढ़ना है। क्या जिंदगी है, अपने ही पेंशन के पैसे से हम एक एक मामूली सा अखबार खरीद के नहीं पढ़ सकते? क्या बोले? मैंने कहा कुछ नहीं बोला। तुमने मुंह के अंदर कुछ बोला, तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ताई, ए ताई, बारा क्या है? तेरी नीता को संभाल, वो सीधा है तो उसको सताने का नहीं। क्यों,
तेरे टॉमी को पत्थर मारा उसने। ताई जुबान संभाल के, मैं मेरे बेटे मंगेश की बात कर रही हूँ। तेरी बेटी नीता मेरे बेटे को लव लेटर लिखती, लव लेटर पिक्चर दिखाने को बुलाती, वो बेचारा आके मुझसे शिकायत करता है। ऐसे कोई जबरदस्ती होती है क्या? लव लेटर में क्या लिखा है? फिल्मी गाने लिखे, डार्लिंग कहती मेरे बेटे को। नीता तीन तीन बार आठवीं क्लास में फेल हो गई और ये सब कांड कर रही है। लता ने क्या से क्या बना दिया इस घर को। ए नीता, नीचे आ। क्या हुआ? हर वक्त ये मेकअप लेके बैठती है तू। देख ये क्या कह रही है, तूने इसके बेटे को लेटर लिखा? मैंने तो नहीं लिखा। देख नहीं लिखा तो मेरा बेटा क्या पागल है क्या? काकी माँ सच कह रही है, ये लेटर इसी ने लिखा है, आप राइटिंग चेक कर लीजिए ना। क्यों री, तूने इसे लेटर लिखा? इस लल्लू को जो अपने माँ के पल्लू से 24 घंटे बंधा रहता है, दूसरा कोई नहीं मिला? अरे किसी मर्द को लिखती तो ये क्या बोलती तू? तो चुप रह, मैं आपकी बेटी से बात कर रही हूँ, थोड़ा तो अक्ल का इस्तेमाल करती। ऐसे लड़के को तुमने लेटर लिखा जिनसे अपनी माँ को कहा माँ मुझे लव लेटर आया है अब मैं क्या करूँ, और माँ आ गई शिकायत लेके। अरे किसी मर्द को चिट्ठी लिखती? ये ले, ये 1 रुपया ले और लॉलीपॉप चूस जाके और अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहे। ए, ताई देख तू तो। जा अब। अरे जा, चल, इससे बोलने से फायदा ही नहीं, चल। बड़ी आई है क्या लड़की अपनी शादी अपने घर पर देगी? शादी के बाद भी? मुझे तो लगता था तू ही एक आइटम। यार ये सेम कहानी चल रही है। अबे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बुराई क्या है? उसकी शादी उसकी मर्जी, जिसको देना है दे। लड़की से शादी उसकी सैलरी के लिए नहीं, उसके गुणों के लिए करनी चाहिए, समझा? मेरी बात मान, उस लड़की को हाँ कह दे, ऐसी लड़की फिर से नहीं मिलेगी। एक बात सोच, वो लड़की आज अपने माँ बाप के बारे में इतना सोचती है, उनका इतना ख्याल रखती है, शादी के बाद तेरा कितना ख्याल रखेगी, ये सोच। चल अब हाँ कह दे उसे, ज़्यादा मत सोचना, रखता हूँ, बाय। ये आजकल के लड़के भी ना कभी कभी सोचते तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, नहीं सोचते तो जरा सा भी नहीं सोचते, मेरा दिमाग खराब करते हैं। किसे लेक्चर दे रहा था? मस्करे? मस्करे नहीं, मस्करे। कितनी बार समझाए, मेरा नाम तो ठीक से लिया करो तुम। हाँ हाँ, मतलब तो एक ही है ना। मतलब एक नहीं, मस्करे का मतलब होता है कॉमेडी। और क्या मैं तुम्हें तो तू कौन सा किसी कॉमेडियन से कम है? उषा देखो तुम चलो छोड़ो, वैसे तुमने मुझसे जो क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर देता हूँ। पर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। अभी तो क्या था तुमने? तुम भूल गई हो, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी शादी होने वाली, शादी के बाद उसकी पति अपनी सैलरी अपनी आई को देना चाहती। मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या विनोद मलेक्सा, अगर लड़की अपनी सैलरी अपनी आई को देती है शादी के बाद भी तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? वो तो अपना फर्ज निभा रही है और ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, तो अब तू भी जाके अपना काम की नहीं करता और हमें भी करने दे। हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे पूछना चाहोगी कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में, अब तू भी जा और मैं काम कर। नहीं ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ उषा, मैं अपनी पत्नी के हर फैसले का सम्मान कर। वेरी गुड, तू सम्मान कर, तेरे लिए जल्दी से कोई मस्करी ढूंढेंगे। अब जा तू खुद भी काम कर और हमें भी करने दे। मेरी बात सुनो, मैं जिंदगी भर उसका साथ देता, सारी परेशानी और मुसीबतों का सामना करता उसके साथ मिलकर, मैं साथ देता उसका। आई ये देख लिपस्टिक क्या मस्त लगाई है, ये अच्छी है। लिपस्टिक? तुझे मेकअप ही नजर आता है। अरे इसका बाप भी नहीं है, क्या शादी करेंगे ये लोग, छोड़। ये देख ये अच्छी है। नहीं आई कितनी काली है, तू भी कुछ भी पसंद करते नहीं, नहीं। तो क्या हुआ? ये देख ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। हमारी गली में सलमान भरे पड़े हैं। दूसरी देख। पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटी है जो इन्हें पसंद आ जाएगी। क्या बोला? नहीं मैं फोटो देख रहा था। फिर मुंह में बोले। मैं तो फोटो देख रहा था।
हेलो आई अंजू बोलते कौन अंजू अंजू तेरे को फोन है मुझे बात करनी अरे मुझे बोलने दे अच्छा पर नंतर माला दे बोला लादी हाँ बोल तू क्यों करेगी ये सब काम वो तेरी बूढ़ी सास क्या लेट के मजे करने के लिए है घुटने में दर्द है तो उसको बोल बैठ के झाड़ू पोछा करे देख तेरी सासू माँ को बीपी है ना तो उसे खाने में बहुत सारा नमक बहुत सारा मसाला बहुत सारा तेल दे दे उसका बीपी ऊपर जाएगा और तेरी सासू माँ भी ताई को बोलना जरूरत पड़े तो मुझको भी वहाँ पे बुला ले मेरे पास और भी मस्त मस्त आइडियाज हैं सास की सांस निकालने के जय बाबा क्यों नाराज है मुझसे बचपन में बस एक बार तेरे प्रसाद का लड्डू चुराया था बस उसकी सजा आज तक दे रहा है नहीं नहीं क्या चुनके परिवार दिया थैंक यू बॉस आई मैं आ गया बस इसी की कमी थी पापा गुंडों की फौज पूरी तैयार हो गई मैं बाद में मिस कॉल देती हूँ तेरे को हाँ अच्छा हुआ तू आ गया ये देख कितने सारे रिश्ते आए हैं तेरे लिए तू फोटो देख मैं चाय चढ़ाती हूँ आई फोटो और कुंडली को मार गोली ये मालूम करके रोकड़ा कितना मिलेगा वो तो मैं लेकर रहूंगी तू फोटो देख अच्छा सुन उसमें से ना एक एयर होस्टेस है आई एयर होस्टेस नहीं एयर होस्टेस वही सुना है बहुत अच्छा पैसा मिलता है इनको फोकट में घूमने को भी मिलता है तू देख मैं आई आई ये जो एयर होस्टेसेस होती है ना अरे बहुत तेज होती है ये आसानी से काबू में नहीं आती जब देखो हवा में उड़ती रहती है कितनी सैलरी है कितना अलाउंस है ये सब पता करना बहुत मुश्किल होता है और तो और ऐसी लड़कियां घर का काम काज भी नहीं करती कर अरे बेटा बप्पा ने तुझे बुद्धि उल्टी दी है तो कम से कम फोटो तो सीधी देख फोटो सीधी देखूंगा तो लड़की का चेहरा नजर आएगा हाँ। उल्टी देखूंगा तो लड़की की पगार नजर आएगी और वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है चेहरे में क्या रखा मैंने भी शक्ल देख के ही की थी शादी क्या मिला मुझे चुप बैठो ये अच्छी कमाती भी अच्छा है कितना कमाती है उसे हमें क्या लेने देना हमें कितना देगी जितना कमाएगी उतना दे देगी नहीं तो मुझे निकालना आता है नहीं आई हमें तो सीधी सादी लड़की ढूंढनी चाहिए जो मुझसे पैसे ना मांगे बल्कि चुपचाप अपनी पगार लाकर मेरे हाथों में रखे लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो जो मेरे पैर दबाए मेरे सिर पर ना बैठे हमें तो ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो घर का कामकाज करे चूचा बिल्कुल ना करे क्यों अब तो शर्म कर भास्कर तेरी दो दो बहनें हैं हैं वो लड़की भी किसी की बहन है बेटी है तू अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा है ना तो ऐसी लड़की देख जो तुझे खुश रख सके बड़ों का आदर करे सम्मान करे अरे पैसे दे या ना दे कम से कम इस घर में खुशी तो भर दे जैसे आपने भरी है इस घर में आपकी चिंदी से पेंशन से राशन तो भरा नहीं जाता पैसों का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये आपको बिल्कुल नहीं पता खुद तो सारी जिंदगी क्लर्क बने रहे अरे आपने तो मुझे भी क्लर्क बना डाला था ये तो अच्छा हुआ कि कुछ जुगाड़ लगाकर मैं जूनियर ऑफिसर बन गया मुझे आपकी तरह नहीं बनने का मुझे बड़ा आदमी बनने का तू बनना बड़ा आदमी मैं कहां मना करता अरे मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास फ्लैट हो गाड़ी हो बैंक में बैलेंस हो इन सब को पाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है एक ऐसी लड़की से शादी करो जिसके पास माल हो सुना समझदार हो गया है बेटा अगर ये तुम्हारी सीख पर चलेगा तो ये भी अपने बच्चों के स्कूल में विनती करने जाएगा हाथ जोड़ के कि इस बार हम हमारे बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे हम अगले महीने दे देते हैं
फोटोग्राफ दिखा। ये ठीक है। आई हाँ। ये देख 20,000 पगार है इसके महीने की। लड़की मुझे पसंद है, मेरी तरफ से डंडा है, तू बात कर ले इससे। हाँ, और चाय लेके ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठ के चाय पीते। अच्छा चल। लड़की तो अच्छी है। पर बेचारे की किस्मत फूटी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।